हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज स्कॉर्पियो असेंडेंट के प्रोफेशन की। वृश्चिक लग्न नंबर 8 का, जिनकी कुंडली में सबसे पहला घर होता है, वो लोग वृश्चिक लग्न के होते हैं। वृश्चिक लग्न जो है अपने राशियों में 8वीं राशि है, यह है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि ये जो जीवन बचपन से जी रहे होते हैं, ठीक है, जब भी शनि इनके लग्न से इस राशि से ट्रांजिट करता है तो उसके बाद इनकी लाइफ में बड़े बदलाव आते हैं। अगर मान लो कि शनि जन्म कुंडली में यहाँ है तो शुरुआती 3-4 साल की उम्र में ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। ऐसे लोग मतलब बहुत ही स्ट्रगल देख लेते हैं बचपन में। अगर यहाँ है तो 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5 साल की उम्र तक बड़ा स्ट्रगल देखने को मिलता है। अगर यहाँ है तो मान के चलो 30 साल लगते हैं सैटर्न को पूरा ट्रांजिट करने में, तो 30 साल की उम्र तक स्ट्रगल होता है। मान लो कि यहाँ है तो शुरुआती 10 साल बड़े स्ट्रगल में रहते हैं, फिर उसके बाद पूरी जिंदगी का एक राउंड लगता है। तब जाके जब वो व्यक्ति 40 साल का होता है तो शनि उसको सारी दुनिया की चीज़ें सिखा देते हैं। फिर जाके 40 साल के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सुहानी होती है। मतलब वो पूरी ज़िंदगी का जो सीखा हुआ है उससे अपनी लाइफ शुरू करता है। ठीक, ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गई। बात करेंगे सन की। सन जो कि इनका 10th लॉर्ड है। अब वृश्चिक लग्न का 10th लॉर्ड सन, मतलब ये लोग जो है रूलर है, बेसिकली इनके कर्म में ही राज है। ये ऐसा काम करना ही नहीं पसंद करेंगे जिसमें इन्हें पावर और पोजीशन ना मिले, राज ना मिले। ये छोटा मोटा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि सूर्य इनका 10th लॉर्ड है। सूर्य होता है राजा, है ना, अपनी फील्ड में सबसे ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको काम ही वो करना है कि भैया आई एम द बॉस। आप इनसे छोटा मोटा काम करवा लो, इनको डिसरिस्पेक्ट कर लो, ये वो काम ही छोड़ देते हैं। अगर ये आपकी कंपनी में जॉब करना है और आपने इनसे छोटा मोटा काम करा लिया, ये इनको मज़ा ही नहीं आएगा, नौकरी छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसे कई लोग होते हैं मैंने देखा है जिनको वृश्चिक लगन है और 10th हाउस का लॉर्ड सन है और सन 10th हाउस में ही बैठा है। ये लोग पूरी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे जब तक इनकी मर्जी का काम नहीं मिलेगा। इनकी मर्जी का काम वही है कि फेम। अगर इनके काम में इनको स्टेटस और फेम नहीं मिलेगा, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं 10th लॉर्ड, शुरू करते हैं। 10th लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, अगर फर्स्ट हाउस में 10th लॉर्ड है तो ऑब्वियसली ये आदमी, इसको फेम मिलेगा ही मिलेगा अपने काम में। ये अपनी पर्सनालिटी से ही ऐसा काम करेगा। जो उसका शरीर है, जो उसकी बॉडी है, जो पर्सनालिटी है, पहले तो दिखने में बहुत आकर्षक रहेगी, बहुत ही तेज रहेगा चेहरे में, और इसकी जो पर्सनालिटी होगी वो ऐसी ही होगी कि भाई ये जहाँ जाएगा लोग बोलेंगे कि द किंग इज अराइव्ड। इफ वुमन है तो बोलेंगे क्वीन हैज अराइव्ड। ठीक है, सो पर्सनालिटी से काम करते हैं, पर्सनालिटी से होने वाले सारे काम, पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, साइकेट्रिस्ट, ठीक है, एक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा आप ये समझ लो कि ऐसी जॉब्स जिसमें बॉसी स्टेटस हो, बॉसी लेवल का स्टेटस हो, वो ये लोग करते हैं। ठीक है, तो जिस भी जॉब में पर्सनालिटी का यूज हो, और पर्सनालिटी वैसी नहीं कि पांव दबाने हैं, नहीं, नौकरी वाला काम नहीं, जिस काम में फेम है और शरीर का, बॉडी का यूज होता हो, पर्सनालिटी का यूज होता हो पूरी, वो काम ये लोग करते हैं। अगर इनके काम में फेम नहीं है, ये नहीं करेंगे। सन सेकंड हाउस में, अगेन सेकंड हाउस में फेम, मतलब सीए, बहुत अच्छे बड़े लेवल के सीए, गवर्नमेंट जॉब्स में। हाँ, अब ये गवर्नमेंट जॉब का भी कारक होता है सन, 10th सन, तो ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत हाई पोजीशन पे जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में ऐसी जॉब्स जो अकाउंट्स से जुड़ी हुई हैं, है ना,
या तो किसी भी कंपनी में ऐसी जॉब्स जहां ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होंगे, है ना। अगर किसी दुकान में भी बैठे हैं ना, तो गल्ले पे ही बैठे नजर आएंगे, या इनकी कोई छोटी मोटी दुकान या किसी कंपनी में, छोटी कंपनी में भी काम कर रहे होंगे ना, तो पोजीशन पावर जो रहेगी इनकी कैश काउंटर पे ही रहेगी, फाइनेंस पे ही रहेगी। ये कंपनी में अगर किसी जॉब कर रहे हैं तो ये आप समझ लो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होंगे। अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो गल्ला यही संभालेंगे, किसी और को नहीं संभालने देंगे। फाइनेंस से रिलेटेड बहुत हाई प्रेस्टीज जॉब्स के पीछे ये लोग जाते हैं और प्रोफेशन के पीछे जाते हैं, और वो लोग, ये लोग जैसे ही सन की दशा एक्टिव होती है ये पा भी लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, सन 10th लॉर्ड है, सन की दशा एक्टिव होगी चाहे वो इस हाउस में हो चाहे इस हाउस में हो, इस हाउस में होगा तो पर्सनैलिटी दमकेगी और पर्सनैलिटी से ही व्यक्ति कमाएगा, काम करेगा। सेकेंड हाउस में सन है, अगर सन की दशा एक्टिव होती है तो ये जरूर फाइनेंस के काम में कमाएगा और मोटा पैसा कमाएगा। ये लोग कम पैसे में काम ही नहीं करते, इनकी फीस जो रहती है सबसे हाई रहती है। ये लोग भी कम सैलरी में काम नहीं करते, इनकी सैलरी बड़ी हाई रहती है। सन इन थर्ड हाउस, थर्ड हाउस सन सूर्य यहाँ मकर राशि में, अच्छी राशि सूर्य के लिए। ये लोग ट्रैवल में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत नामी गिरामी ट्रैवल एजेंसीज। राइटर होते हैं तो बहुत बढ़िया राइटर होते हैं, अगर कवि हैं तो बहुत बड़े कवि हैं, ठीक है। फेम मिलेगा इनको, इनको लेखन से फेम मिलेगा। मीडिया इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो न्यूज़ रीडर्स, न्यूज़ एडिटर्स, बड़े पद पे जाएंगे ये लोग, ठीक है। छोटा काम तो करेंगे ही नहीं, आप इनसे छोटा काम करा लो इनका चेहरा आपको ऐसा दिखेगा मुरझाया हुआ सा, दुखी रहेंगे छोटे काम में, क्योंकि जब तक सूर्य की दशा नहीं लगती तब तक दूसरे प्लैनेट की दशा रहती है, वो इनको बहुत सताते हैं, वो सारे प्लैनेट इनसे छोटे छोटे काम करवाते हैं, पर जब सूर्य की दशा लगती तो इनको लाइफ में वो मिलता है जो इनको चाहिए, मैसिव फेम। फिर सन इन फोर्थ हाउस, बड़ी खेती बाड़ी, ठाकुर जमींदार लोग, है ना, फार्मिंग करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी फार्मिंग होगी इनकी, बड़े लीडर्स, है ना, बड़े नेता लोग, क्योंकि ये मास पब्लिक का है, लैंड का है, बड़े बिल्डर्स, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनकी, मैसिव फेम बिल्कुल, जब सन की दशा आएगी। नहीं तो ये ऐसी कंपनियों में काम कर रहे होंगे, अगर ये किसान किसी बड़े किसान किसानी कंपनी में काम कर रहे होंगे, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम कर रहे होंगे, या बड़े किसी लीडर के साथ ये IAS अफसर होंगे, देख लेना, है ना, ये IAS अफसर भी बनाता है सन जो है, क्योंकि पावर और अथॉरिटी तो IAS अफसर के पास होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास होती है। तो जो नेता होते हैं या तो स्वयं बड़े नेता होते हैं या किसी नेता के सहायक होंगे। सन इन फिफ्थ हाउस, ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं, बड़ी बड़ी कंसल्टेंट एजेंसीज, बहुत बढ़िया क्रिएटिव आर्ट में होते हैं। अगर IT कंपनी में भी हैं तो बहुत बढ़िया क्रिएटिव पोजीशन पे रहेंगे, क्रिएटिव हेड्स होते हैं ये एक्टर्स, बहुत उम्दा क्रिएटिव एक्टर्स होंगे, कलाकार बड़े उम्दा होंगे। अगर ये लोग बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो बहुत बड़े बड़े, मान लो बच्चों के स्कूल्स इनके होंगे, है ना, यहाँ तो किसी स्कूल में, बड़े बड़े स्कूल में हाई पोजीशन पे टीचिंग में होंगे, हेडमास्टर होंगे स्कूल के। उसके अलावा आप फिफ्थ हाउस से जोड़ लीजिए जो भी ऐसे काम हैं जिसमें क्रिएटिविटी है, ये उसमें हेड करेंगे, सिंपल है। सिक्स्थ हाउस, ये गवर्नमेंट जॉब का घर है, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर 10th लॉर्ड 6000 में बैठा है, डेफिनेटली 100% गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में ऊपरी हाई पोजीशन पे ये जाएंगे, दैट्स इट। अगर प्राइवेट भी कर रहे हैं तो वहां पे भी बॉस बन के, वहां सरकार बन के जॉब करेंगे, वहां अपनी सरकार चलाएंगे, तो सुपर्ब है इनके लिए। 7th हाउस, ठीक है, बड़े रिटेल स्टोर्स, रिटेल बिजनेस का हाउस है, बड़े पार्टनरशिप्स, बड़ी फर्म्स में या ऐसे किसी बड़े रिटेल स्टोर्स में जॉब करते हुए नजर आएंगे, मैनेजमेंट लेवल पे, मतलब पूरा जैसे डीमार्ट टाइप के रिटेल स्टोर्स हैं या जितने भी बड़े आपको कपड़ों की ब्रांड के रिटेल स्टोर्स हैं, वहाँ पे ये बड़ी पोजीशन पे आपको बैठे हुए नजर आएंगे।
स्टार्टिंग भले नीचे से करें पर पहुंच जाते हैं बड़ी पोजीशंस पे। इनको रिटेल आउटलेट्स में ही काम करना चाहिए, मेडिकल फील्ड में भी काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना बड़े डॉक्टर्स भी बनाता है सन, 10th हाउस जो है मेडिकल फील्ड को भी दर्शाता है। तो ऐसे लोग बहुत बड़े डॉक्टर भी बनते हैं, बड़े नामचीन डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर होंगे कि भाई इनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे बड़े साइकेट्रिस्ट, ऐसे साइकेट्रिस्ट जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। यहाँ बड़े बड़े इनके रिटेल आउटलेट्स होते हैं, नाम होता है बहुत बड़ा नाम, बड़ी इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ऐसी इंडस्ट्रीज, बड़े रिटेल आउटलेट्स होंगे कि वाह 10th लॉर्ड 8th हाउस में सन किसी फैक्ट्री में काम करते हुए नजर आएंगे। फिर बाद में आगे चल के जैसे ही सूर्य की दशा लगेगी अपनी खुद की फैक्ट्रीज खोल लेंगे, बड़ी इंडस्ट्रीज होगी। आटा चक्की आप देखेंगे इंडिया में जो बड़े बड़े आटे के ब्रांड्स हैं, कहीं ना कहीं सन उनका 10th लॉर्ड होके 8th हाउस में आपको नजर ही आएगा। आटा चक्की बहुत बड़ी होंगी, आटे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होंगी। उसके अलावा भी बड़ी इंडस्ट्रीज, दूसरी भी जितने भी सन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम ये लोग करेंगे। पहले हो सकता है पैसा ना हो तो नौकरी करें, बाद में अपना खोल लें, या तो खानदानी इनका बिजनेस होगा और बढ़िया फैक्ट्रीज चलेगी। इनको काम भी ऐसे ही करना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट का, इनको इंडस्ट्रियलिस्ट ही बनना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। सन इन 9th हाउस, 9th हाउस एजुकेशन, धर्म। अगर गुरु बन गए तो बड़े गुरु बनेंगे, महान गुरु, ऐसे ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे गुरु की जिनका नाम हो पूरी दुनिया में, बागेश्वर बाबा जैसे, जिनको आजकल बड़ा फेम मिल रहा है। क्यों? 10th लॉर्ड 9th हाउस में। अब मेरे को बागेश्वर बाबा की कुंडली नहीं पता, पर उस टाइप के गुरु होते हैं, संत होते हैं जिनका बहुत नाम होता है। प्रोफेसर, अगर एजुकेशन फील्ड में देखा जाए तो बहुत बढ़िया प्रोफेसर, बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर, बहुत हाई लेवल के टीचर्स, हाई लेवल के गुरु, है ना। 9th हाउस क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का। अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में है, जैसे ये मैंने बताया था ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, ये डोमेस्टिक के लिए बहुत अच्छी, ये इंटरनेशनल के लिए बहुत अच्छा हाउस है। डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत नाम होगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है। अगर नेता हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री मिलेगी इनको, ये मैं अभी से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री मिलेगी जिस जो धर्म से रिलेटेड हो, एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्टर बन सकते हैं, है ना। धर्म से रिलेटेड इंडस्ट्री मिलेगी अगर ये नेता हैं चुनाव जीत गए तो। 10th हाउस, 10th लॉर्ड 10th हाउस में 100% इनको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में जितना अच्छा सपोर्ट और जितना अच्छा फेम इनको मिलेगा दूसरी जगह नहीं मिलेगा। अगर दूसरी जगह जाते भी हैं तो फिर ऐसी इंडस्ट्री में जाएं जो बड़ी फेम वाली इंडस्ट्री हो, जिसमें बहुत फेम हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ जाएं, बहुत फेम मिलेगा। 10th हाउस 10th लॉर्ड में है। ऐसे बहुत से एक्टर हैं जिनकी कुंडली मैच खाती है, लियो 10th हाउस में है और सूर्य भी बैठे हुए हैं, पर सूर्य की दशा आने पर ओनली सन की दशा एक्टिव होनी चाहिए, या तो ऐसा प्लैनेट जो इसके नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में कोई और प्लैनेट बैठा है, तो जैसे ही उसकी भी दशा लगती है तो सीधा सन चमकता है। अब ये नक्षत्र की सीरीज आगे आएगी तो मैं समझाऊंगा कि नक्षत्र कैसे काम करते हैं, फिलहाल हम ऊपरी ऊपरी देखते हैं, ठीक है। फिर सन 11th हाउस, ऐसे लोगों को इनके बड़े, इनके पिता बड़े भाई ही बिजनेस में सपोर्ट कर लेते हैं, जैसे ऋतिक रोशन है। अब सन तो नहीं है पर उनका दूसरा प्लैनेट है, तो उनके पिता ने उनके लिए फिल्में बनाई, उनको बिजनेस में सपोर्ट किया। अजय देवगन है, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड का कनेक्शन है, उनके भी पिता ने उनको इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर दिया। तो ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना जिनका 10th और 11th का कॉम्बिनेशन बन जाता है, 10th लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाता है, 11th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ जाता है, इनको इनके पिता या बड़े भाई ही बिजनेस में सपोर्ट करते हैं और उनकी गाइडेंस से ही इनको काम करना चाहिए। समाज में बहुत नेम फेम मिलता है, समाज में बहुत ऊंचे दर्जे का फेम मिलता है, बहुत अत्यधिक, और पैसा भी अत्यधिक कमाई होती है। 10th लॉर्ड 11th हाउस में हो जाए तो जो भी काम करते हैं, काम करेंगे 1 रुपए का फेम मिलेगा 11 रुपए का, 1 का 11 होता है सीधा।